दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूँ हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल मैंने आपको बताया था कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में दो प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए या अपना समर्थन दे दिया दूसरी पार्टी के नेताओं को। उनमें एक थे प्रवेश मेहता, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, फरीदाबाद 89 से उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के मंच पर गए, पटका पहना और शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी वहां खाली रह गई। दूसरी विधानसभा सीट है प्रथला। प्रथला के विधायक पद के जो कैंडिडेट थे आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के ज्वाइंट कैंडिडेट गिरिराज जटोला ने भी एक बार तो सुबह उनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट चली फेसबुक पर कि पार्टी के लोग समर्थन नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए चुनाव मैदान से हट रहा हूं। और दोपहर ढलते ढलते वो शामिल हो गए जाकर के चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया के मंच पर। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टियां खाली रह गई। जननायक जनता पार्टी ने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2019 में। प्रथला से उन्होंने टिकट दिया था उस चुनाव में शशिबाला तेवतिया को। शशिबाला बीच चुनाव में नामांकन भरने के बाद बीच चुनाव में मझधार में छोड़ गई थी जेजेपी को। और अब की बार जननायक जनता पार्टी का ही दूसरा चुनाव था हरियाणा में और आजाद समाज पार्टी जो उसकी गठबंधन सहयोगी पार्टी है उनका पहला चुनाव था ये हरियाणा में। गिरिराज जटोला को टिकट दिया था बड़े अरमानों के साथ, लेकिन गिरिराज जटोला वापिस हो गए। अब सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है वो अब यहां पर दीपक डागर के बल्ले के साथ बैटिंग करेगी। यानी कि दोनों पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया है दीपक डागर को। दीपक डागर यहां से निर्दलीय कैंडिडेट हैं, पंचायती प्रत्याशी बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो इंडिपेंडेंट मैदान में कूद गए थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे। अब गिरिराज जटोला ने जब अपना नाम वापिस ले लिया, पर्चा वापिस ले लिया, समर्थन दे दिया चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया को, तो फिर जेजेपी और एएसपी के दोनों के नेताओं दुष्यंत चौटाला व चंद्रशेखर आजाद ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दीपक डागर को साथ बिठाया, उनको पटके पहनाए नीले और अपने जो दुरंगा पटका है हरा और पीले रंग का जननायक जनता पार्टी का, वो पटके पहना करके और उनको अपना समर्थन दे दिया। और अब मैंने आपको बताया जो उनके बल्ले पे बैटिंग करेंगे, एक बार सुनिए आप क्या कह रहे थे दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद। दोनों संगठन जोश के साथ इस चुनावी रण में उतरेंगे और मैं मानता हूँ हम दोनों ने मिलकर 20 से ऊपर विधानसभाओं में जॉइंटली काम किया है और जो उत्साह है वो दर्शाता है कि जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के प्रति बड़ी मजबूती के साथ जुड़ी है। और मैं तो आपके माध्यम से क्योंकि आखिरी तीन दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं प्रचार के और दो दिन फिर बूथ मैनेजमेंट के और पोलिंग के, सभी कार्यकर्ताओं से दोनों संगठनों से यही आग्रह करता हूँ जी जान लगाकर काम करें, मजबूती के साथ कार्यरत रहे। 2 तारीख को सुबह चीका में फिर मैं आपको आमंत्रण दे दूँ, 12 बजे उचाना मंडी में, नलवा में, ओडा में और उसके बाद सिरसा रोड शो के माध्यम से एक तूफानी दौर अपने यहाँ भी रहेगा। उसके बाद 3 तारीख को भील में सदौरा रादौर और गादरी के अंदर तूफानी दौरा रहेगा। साथ साथ में 2 जलसे यमुनानगर के और के भी करे जाएंगे तो इसी मुहिम को आगे ले जाते हैं। प्रत्येक बची हुई विधानसभा है उसको भी हम प्रयासरत रहे कि छूकर मजबूती के साथ आगे लेकर। आज आपको बुलाने के एक विशेष उद्देश्य ये भी था, मैं चाहूँगा भाई चंद्रशेखर जी आपके बीच में बात रहे। धन्यवाद मीडिया के साथ बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। कल एक बहुत बड़ा छल जो है जिस तरह से आजाद समाज पार्टी जेजेपी के नाम में गठबंधन उनके कार्यकर्ता उनके पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं और लगातार उनका जनाधार जो है वो पार्टी कैंडिडेटों के पक्ष में वोट के लिए मन बना रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही,
जनता से खुश से आवाज आ रही है कि अलायंस जो है आज भी और भविष्य में भी एक बड़ी ताकत जो है हरियाणा चुनाव में बनेगा। ये एक अच्छा मजबूत स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी और माननीय काशीराम साहब के सपनों का जो है ये अलायंस है, ये मजबूत अलायंस है हरियाणा के लिए। इसकी बढ़ती ताकत को देख के जिस तरह से कल एक बहुत बड़ा छल पथला में कांग्रेस के नेताओं ने करने का काम किया, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस घबरा गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए उसी तरह से कांग्रेस भी जेजेपी आजाद समाज पार्टी के लाइन से घबरा गए। उन्होंने हमारे प्रत्याशी को अपने खेमे में करने का काम किया, डराकर लालच देकर जिस भी तरह से प्रयास किया। मैं ये समझता हूँ कि जनता ज़्यादा समझदार है। इस जोड़ तोड़ का आरोप पहले कांग्रेस के लोग दूसरे लोगों पर लगाते थे, लेकिन आज उन्होंने जो कल किया है उससे स्पष्ट हुआ है कि वो भी लोकतंत्र में बहुत भरोसा नहीं रखते, जोड़ तोड़ में भरोसा रखते। उनके द्वारा किए गए षड्यंत्र को जनता वोट की चूक से जवाब देगी और आज प्रथला विधानसभा में हमारे पुराने साथी दीपक डागर जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों संगठनों ने तय किया है कि उनको आज से हम जो है आजाद समाज पार्टी जेजेपी का संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। हमारे संगठन दोनों संगठनों के लोग जी जान से आज से उनके साथ जुटेंगे, मेहनत करेंगे और उनको सफल बनाने का काम करेंगे और जिनके द्वारा षड्यंत्र किया है उनको वोट की चोट से जवाब। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि अब उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो दीपक डागर हो गए हैं, उनका जो समर्थन है वो दीपक डागर के साथ है। उस मंच पर जो उनके साथ मौजूद थे वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी साथ थे। बड़ी बात यह कि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के कोटे में ही गिरिराज जटोला को टिकट मिला था। खैर, अब मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा हुआ क्यों और आखिर ऐसा होता क्यों है। मैंने कल भी आपसे एक वीडियो शेयर किया था और बताया था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ करता है और किस प्रकार की कोई डील, कोई सेटिंग, क्या सब कुछ जो भी बातें आपसे हमने की थी। 2019 का जो चुनाव था जिसके अंदर जननायक जनता पार्टी ने शशिबाला तेवतिया को अपना कैंडिडेट बनाया था, उस चुनाव के अंदर जेजेपी से टिकट मांगने वालों की कमी नहीं थी, कई लोग टिकट मांग रहे थे। टिकट मांगने वालों में अरविंद शर्मा भी थे, टिकट मांगने वालों में बलदेव सिंह अलावलपुर भी थे, टिकट मांगने वाले एक दो लोग और भी थे। शशि बालाजी को टिकट मिला तो अरविंद शर्मा और बलदेव सिंह अलावलपुर नाराज होकर के पार्टी छोड़कर भी चले गए, वो दोनों नहीं आ गए और इधर शशि बाला ने अपना नामांकन वापस लिया। यानी कि जो फैसला था दुष्यंत चौटाला साहब का वो गलत साबित हुआ। अब इस चुनाव के अंदर पहले ही बात ये चलती रही कि आज़ाद समाज पार्टी या जेजेपी यहाँ चुनाव कौन लड़ेगा। दुष्यंत चौटाला समर्थन में कई सभाएं कर गए थे अरविंद शर्मा के, बात ये थी कि अरविंद शर्मा कैंडिडेट होंगे, लेकिन जब बात आ गई कि गठबंधन सहयोगी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को टिकट दे दिया तो फिर उस समय अरविंद शर्मा ने आंसू भी छलकाए थे, गुस्सा भी हुए थे और गुस्सा हो करके उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि लोग ये भी कहते हैं प्रथला विधानसभा में और अरविंद शर्मा को लेकर, लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अरविंद शर्मा से बात होने के बाद ही हुआ था, लेकिन बाद में जो भी हुआ, खैर अरविंद शर्मा ने इसी बात पर पार्टी छोड़ दी। अगर दूसरी बात आ जाती है आज़ाद समाज पार्टी की, तो आज़ाद समाज पार्टी से टिकट मांगने के लिए राजेश तेवतिया थे अलावलपुर गाँव के, स्वर्गीय इंद्राज सिंह तेवतिया एडवोकेट साहब के बेटे, दो बार चुनाव लड़ चुके हैं राजेश तेवतिया। यहाँ पर टिकट का आवेदन करने वालों में कुलवीर देशवाल का नाम भी चर्चाओं में बढ़ा रहा था। अब उन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था या नहीं किया था ये तो कुलवीर देशवाल बता सकते हैं या आज़ाद समाज पार्टी के लोग, लेकिन मेरी जानकारी जो है वो ये है कि कुलवीर देशवाल चुनाव लड़ना चाहते थे, आज़ाद समाज पार्टी ने उनको कैंडिडेट नहीं बनाया, वापस वो बीजेपी में हो गए। प्रथला में वो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, पलवल में उन्होंने करण सिंह दलाल को समर्थन किया कांग्रेस को माला पहना करके। अब बड़ी बात दोस्तों ये आ जाती है, बाद में प्रथला कर रहा हूं, कि आखिर क्या राजनेता चूक जाते हैं चेहरा मोहरा पहचानने के अंदर, या कहीं कमी रह जाती है, और या फिर ये हवा का रुख होता है।
कि हवा का रुख देखते हुए प्रत्याशी बदल जाते हैं, लेकिन अगर हवा के रुख की बात करें तो फिर जननायक जनता पार्टी 2019 में तो किंग मेकर बन गई थी। शशिबाला तेवतिया उस फैसले को लेकर के बाद में परेशान तो जरूर हुई होंगी अंदर अंदर, लेकिन हुआ वही जो होना था, यानी कि उस चुनाव में 2019 के चुनाव में प्रथला से जेजेपी का कैंडिडेट नहीं रहा, और इस चुनाव के अंदर सिंबल तो रहेगा, केतली का सिंबल तो होगा बैलेट पेपर पर, लेकिन मतदाताओं के लिए कैंडिडेट नहीं होगा। और अब जेजेपी और एएसपी के नेता शायद प्रचार करने भी आए, दीपक डागर के लिए पहले भी आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, किसको फायदा होगा? क्या दीपक डागर सशक्त प्रत्याशी हो जाएंगे? क्या दीपक डागर को एएसपी और जेजेपी का समर्थन मिलने के बाद क्या वो भी मुख्य धारा में आ सकते हैं? क्या वो चुनावी मुकाबले में आ सकते हैं? बड़ा सवाल यह है और जवाब इसका आपके पास भी है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र में जो नए समीकरण बने हैं इसके बाद कैसा माहौल बनेगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।